महाराज चले पैदल यात्रा करते हुए जीवों का कल्याण भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। उससे पहले क्या हुआ, गोस्वामी जी कथा करते थे काशी में ही रोज एक घंटे, तो एक श्रोता गंगा के उस पार से कथा सुनने आते थे, रोज सुनने आते। एक बार कथा सुनने आना आए, अब कोई प्रसंग तो ऐसा लंबा चल गया कि महाराज अंधेरा हो गया, गांव गया किनारे गंगा किनारे, तो वहां पर देखा कि एक भी नाव नहीं है, अब पार कैसे जाऊं, लौट के आए। गोस्वामी जी कहा महाराज एक भी नाव नहीं है कैसे जाऊं, तो गोस्वामी जी बोले कोई बात नहीं है तो यहां सो जाओ, कल सवेरे चले जाना। बोले प्रभु यहां सोऊंगा ना तो घर की याद आएगी, और घर चला जाता हूं तो तुम्हारी कथा सुनी है उस कथा का मैं रोज मनन करता हूं। गोस्वामी बोले अच्छा ऐसी बात है, चलो एक कागज लिया और उस कागज को पुड़िया बना के उसके पगड़ी में लगा दी, बोले जाओ ऐसा करना, हाँ पैदल चले जाना गंगा जी में। अब उसको लगा पैदल चले जाना, वहां से वायर किनारे में और धीरे धीरे पैर को रखा सीधे वाले पैर को, देखता हूं पानी में डूबता ही डूबता पैर, तो पैर नहीं डूबा, वो खड़ा हो गया। फिर दूसरा पैर बढ़ाया नहीं डूबा, तीसरा पैर बढ़ाया नहीं डूबा, और पैर बढ़ाते 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 पूरा वो सब गंगा जी को पार कर गया। और जब गंगा जी को पार करके जब थोड़ा सा रह गया तो सोचा कि क्या दिया है बाबा तुलसी ने, तो देखा के देखा तो उसमें लिखा था राम, ये तो मैं भी जानता हूं, जैसे कहा मैं भी जानता हूं, उसे पानी में पसीना, और चिल्ला पागे वो चिल्ला के बोला अरे तुलसी के राम बचाओ बचाओ बचाओ, फिर ऊपर आ गया और पार आ गया। बोले तुलसी के राम में वो राम हो सकती है क्योंकि उनका विश्वास है, हमारे में नहीं विश्वास है। इस प्रकार वापस गया। अब गोस्वामी जी महाराज दिल्ली जाएंगे और सम्राट अकबर को बात पराजित करेंगे, इसका वर्णन कल करेंगे। आज वाणी प्रोग्राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 श्री माँ के बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री युवल सरकार की, सब संत भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय श्री राधे गौर हरी।